प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्टरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय धनगर गडरिया परिवार में जन्मे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसने न केवल अपने कुशल नेतृत्व, राजनीतिक सूझबूझ के जरिए मुगलों द्वारा खड़े किए गए इस्लामिक साम्राज्य का अंत कर दिया, साथ ही स्थापना की होलकर साम्राज्य की, जिसने अंत तक भारत भूमि की मुस्लिम व यूरोपीय आक्रांताओं से देश की सुरक्षा की। न केवल सुरक्षा की बल्कि इसी राजवंश की महान रानी पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने प्राचीन सनातन संस्कृति के खंडित हो चुके धार्मिक शहरों व प्राचीन धार्मिक मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार भी करवाया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्हार राव होलकर के बारे में। दोस्तों, इस योद्धा ने अपने जीवन की 52 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से 51 युद्ध लगातार जीते। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से मिले तो कृपया बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट समय से मिलती रहे। दोस्तों, मल्हार राव होलकर का जन्म एक ऐसे समय पर हुआ जब भारत में अकबर, शाहजहां, जागीर और औरंगजेब के द्वारा स्थापित किए गए मुगल साम्राज्य की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उत्तर भारत के किसी भी राजा के लिए मुगलों को सत्ता से हटाना लगभग असंभव सा काम हो चुका था। शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की और ढेर सारे सैनिक अभियान भी किए। ज्यादातर सैनिक अभियानों में सफलता अर्जित की, लेकिन दोस्तों, इन सफलताओं से मुगल कमजोर तो हुए, लेकिन फिर भी मुगल शासक को किसी भी भारतीय राजा के लिए गद्दी से हटाना असंभव था। ठीक ऐसे समय पर भारतीय इतिहास में दो महान योद्धा आए, एक बाजीराव प्रथम, दूसरे मल्हार राव होलकर। भारत माता के इन दोनों वीर सपूतों ने हिंदवी साम्राज्य के लिए स्वयं को कभी ढाल तो कभी तलवार की तरह प्रयोग किया। मल्हार राव होलकर का जन्म 16 मार्च 1693 को जेजुरी में एक गडरिया परिवार में हुआ। मथुरा से आकर होल गांव में बसने के कारण इन्हें होलकर कहा गया। मल्हार राव होलकर का शुरुआती जीवन भेड़ बकरियां चराते हुए व्यतीत हुआ। इसी समय उन्होंने पूना के आसपास के जंगलों को अच्छी तरह से जान और पहचान लिया, जिसका लाभ उन्हें बाद में युद्ध के समय मिलता रहा। शानदार युद्ध कौशल और कुशल नेतृत्व रणनीतिकार के रूप में मल्हार राव होलकर 1721 में पेशवा के साथ मराठा संघ में शामिल हुए। जब पेशवा बाजीराव उत्तर में मराठा साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियान कर रहे थे, तब मल्हार राव होलकर ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत में विस्तार किया। शुरुआत में मल्हार राव होलकर को 500 घोड़ों की कमान सौंपी गई। 1724 में मल्हार राव होलकर को चीफ जनरल ऑफ मालवा घोषित किया गया। इसी के साथ मल्हार राव होलकर ने मालवा, ईस्टर्न गुजरात और खानदेश से मराठा साम्राज्य के लिए चौथ भी वसूल किया। 1727 तक आते आते मल्हार राव होलकर ने अपने आप को मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ घोषित कर दिया। उसके बाद बाजीराव ने इन्हें स्वतंत्र मालवा की सूबेदारी प्रदान की। इसी समय दक्षिण में मुगलों का सबसे अधिक योग्य सामंत निजाम स्वयं को शक्तिशाली बनाने के प्रयत्न कर रहा था। माना जाता है कि उस समय निजाम न केवल स्वयं बल्कि पूरी मुगल सल्तनत में सबसे अधिक योग्य और कुशल नेतृत्व रणनीतिकार था। ऐसे में समय रहते बाजीराव के लिए यह अति आवश्यक था कि निजाम को किसी भी तरह चुप किया जाए। जब बाजीराव निजाम को चुप करने दक्षिण में गए तो मल्हार राव होलकर उनके पीछे सैनिक टुकड़ियां लेकर गए। इसी समय मल्हार राव होलकर ने निजाम की सभी रसद आपूर्ति समाप्त कर दी, काट दी, जिससे निजाम कमजोर पड़ गए। मजबूरन
निजाम को बाजीराव के साथ संधि करनी पड़ी। दक्कन में निजाम को चुप करने और शांत करने के बाद मल्हार राव होलकर और बाजीराव ने अपना पूरा ध्यान उत्तर के सैनिक अभियानों में लगा दिया। उत्तर भारत में मुगलों के खिलाफ किए गए सैनिक अभियानों में बाजीराव और मल्हार राव होलकर ने मिलकर विजय प्राप्त की। इन सैनिक अभियानों में एक रोचक वर्णन हमें मिलता है कि जब बाजीराव महज कुल 500 घुड़सवार सैनिकों के साथ लाल किले के अंदर दाखिल हो गए। दोस्तों, ऐसा इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि पीछे एक बड़ी फौज लेकर मल्हार राव होलकर आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, जल्दी ही बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और उसके बाद समस्त उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार की पूरी जिम्मेदारी मल्हार राव होलकर के कंधों पर आ गई। मालवा प्रांत के सूबेदार होने के नाते मल्हार राव होलकर ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और उत्तर में मराठा साम्राज्य के विस्तार की नीति को जारी रखा। 1758 तक आते आते मल्हार राव होलकर ने मराठा साम्राज्य के ध्वज को अटक से कटक तक फहरा दिया। मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में अब मराठा साम्राज्य की सीमाएं उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी थी। जब मल्हार राव होलकर मराठों का नेतृत्व कर रहे थे तब मुगल सत्ता तो अपने पतन की ओर उन्मुख थी ही, साथ ही मराठों ने भारत भूमि के पश्चिमोत्तर भागों में शासन करने वाले पश्तून कबीलों अर्थात अहमद शाह अब्दाली को भी उनके मूल प्रदेशों तक सीमित कर दिया। दोस्तों, यह वह समय था जब उत्तर भारत में मल्हार आया की गर्जना सुनते ही भारत के कई राजा अपने राजपाट छोड़कर भाग जाते थे। स्रोतों से हमें सूचना मिलती है कि मल्हार राव होलकर का नाम सुनते ही जयपुर के एक राजपूत राजा ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। साथ ही मल्हार राव होलकर जब भी उत्तर के अभियान पर आते थे तो राजस्थान के राजपूत राजा अपने सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे और उनके सिंहासन पर मल्हार राव होलकर विराजमान होते थे। मल्हार राव होलकर ने अपने जीवन के 52 में से 51 युद्धों में विजय प्राप्त की। इन युद्धों में विजय प्राप्त करने के कारण कई प्रसिद्ध इतिहासकारों ने मल्हार राव होलकर को भारत का नेपोलियन भी कहा है। पानीपत के युद्ध में मराठों की पूर्णतः हार हुई। इस युद्ध में मल्हार राव होलकर शामिल तो हुए लेकिन उनकी सैनिक टुकड़ियों ने लड़ाई नहीं लड़ी। इस महत्वपूर्ण योद्धा और सेनानायक के पानीपत में न लड़ने को लेकर कई इतिहासकारों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मल्हार राव होलकर जिस युद्ध नीति से पानीपत को लड़ना चाहते थे उसमें उनकी बात नहीं मानी गई। वहीं दूसरे इतिहासकारों का मत है कि पेशवा सदासी राव भाऊ और मल्हार राव होलकर के संबंध अच्छे नहीं थे। पूर्णतः सच्चाई क्या है ये तो इतिहास के गर्भ में समाई हुई बात है। लेकिन दोस्तों, इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है वो है कि जब मराठे पानीपत के लिए आए तो उनके साथ उत्तर भारत की मुहिम में महिलाएं तीर्थ यात्रा के तौर पर आई थी जिसको युद्ध से निकालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और वो मल्हार राव के कंधों पर आ गई थी। अंततः मुस्लिम आक्रांताओं से महिलाओं को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी मल्हार राव होलकर के पास आई और उसमें इन्होंने पूरी तरह से महिलाओं को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकालकर मराठा प्रदेशों तक पहुंचाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मल्हार राव होलकर ने अपने जीवन के 52 युद्ध लड़े जिनमें से 51 में विजय प्राप्त की और एकमात्र पानीपत ऐसा युद्ध था जिसमें मल्हार राव होलकर की टुकड़ियां नहीं लड़ी लेकिन उसमें भी मल्हार राव होलकर को जो जिम्मेदारी मिली उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन यह विजय उनकी बाकी सैनिक अभियानों जैसी विजय नहीं थी। यह वह समय था जब मल्हार राव होलकर उत्तर भारत में एक किंग मेकर की भूमिका भी निभा रहे थे। उनके एक बार कहने से उनके विरोधी खेमों में भी हजारों तलवारें उनके समर्थन में उठ जाती थी। अंत 20 मई 1766 को मराठा साम्राज्य के निर्माता होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर की आलमपुर में मृत्यु हो गई।
जीवन के दिनों में ही इनके एकमात्र पुत्र युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसमें इनकी मृत्यु के बाद इनका राजपाट मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर, जो इनकी पुत्रवधू थी, उनके पास चला गया और वह होलकर साम्राज्य की शासिका बनी। अंत में दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से मिले तो कृपया बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो